शक्ति हमें दे। हम आपको शिक्षकों के जज्बे की कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन ये कहानी स्कूल में बच्चों के शोर से शुरू नहीं हो रही। ये कहानी जावेद अहमद टाक के घर से शुरू हो रही है। श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर अनंतनाग जिले के बिजबहरा कस्बे में जावेद का घर है। जावेद या तो इस बिस्तर पर होते हैं या फिर इस व्हीलचेयर पर। स्कूल जाने का वक्त होता है तो जावेद तैयार होते हैं। फिर व्हीलचेयर से गाड़ी तक जाते हैं और गाड़ी उन्हें स्कूल लेकर जाती है। और जावेद यहां शारीरिक कमजोरियों से लड़ रहे बच्चों को शिक्षा के जरिए मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। जावेद सर बहुत बहुत शुक्रिया। उसका मतलब बहुत बहुत अच्छा सर है वो। 39 साल के जावेद साल 1997 में आतंकी हमले का शिकार हुए थे। गोली रीढ़ की हड्डी में लगी थी। अस्पताल में जब होश आया तो पता चला कि जावेद अब कभी चल नहीं पाएंगे। फाइनल ईयर की परीक्षा दे चुके जावेद पास तो हो चुके थे, लेकिन जिंदगी बिस्तर पर सिमट गई थी। जावेद ने लेकिन हार नहीं मानी। वो खुद भी आगे बढ़े और अपने साथ तमाम बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें भी आगे ले जाने का फैसला किया। मैंने अपनी जिंदगी बेड पे ही गुजारी बहुत सारे वक्त तक, और मैंने यही सोचा कि कैसे नई जिंदगी स्टार्ट करूं। कि उन 3-4 सालों में मैंने अपने बेड पे ही फ्री ट्यूशंस किए उन बच्चों के जिनके कम वसाइल थे, जो गरीब घरों से ताल्लुक रखते थे। पहले घर में बच्चों को ट्यूशन दी, फिर इन बच्चों की बात समझ सकें इसके लिए तमाम तरह के कोर्स भी किए। कोर्स के बाद साल 2004 में बिजबहरा में शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए ये स्कूल शुरू किया। पहले तो मैं कुछ भी नहीं था, मैं डिसेबल था इस लिहाज से कि मेरी कम्युनिकेशन गैप थी इनके साथ। तो चूंकि हम ये सोचते हैं कि बच्चे डिसेबल है, लेकिन टीचर्स डिसेबल है जिनको आता ही नहीं है इनको पढ़ाना। तब तक मैं खुद डिसेबल था, तो मैंने अपनी एबिलिटीज समझने के लिए मुझे बहुत साल लगे, करीबन 4 साल लगे। जावेद का ये हौसला औरों के लिए भी प्रेरणा बन चुका है। बिकॉज ऑफ जावेद साहब हम यहाँ पे है, उसकी प्रेजेंस है, मतलब उन्हें देखकर हमें ये महसूस होता है कि हम क्यों नहीं कर सके। अगर इवन ए व्हील चेयर यूजर इतना सब कुछ हैंडल कर सकता है, इवन हमारे पास सब कुछ है, हम क्यों नहीं कर सकते। इज अ बेस्ट टीचर, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो सबसे मतलब अच्छे उस्ताद की तरह इन बच्चों को पढ़ाते हैं। जावेद को राज्य सरकार ने स्टेट अवार्ड से नवाजा और केंद्र सरकार ने जावेद की हिम्मत और हौसले के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। जावेद को सरकारी नौकरी के ऑफर मिले, लेकिन जावेद ने इन बच्चों को चुना। शिक्षा और शिक्षकों का नाम आते ही नजर के सामने आ जाता है स्कूल, और स्कूल में शोर मचाते बच्चे। लेकिन जावेद टाक जैसे टीचर्स ने यह साबित कर दिया है कि इस खामोशी के बीच में भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है और देश से अंधकार दूर किया जा सकता है। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, ABP न्यूज़, अनंतनाग, कश्मीर।